गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए मैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर जो है 20 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 57, यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। मीन्स देखिए ये 5 है और 3 है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ऑलरेडी क्या होता है बच्चों, इसका पेरीमीटर निकालना है। ये देखिए 8 है, ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l + b, ये फार्मूला होता है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम 2 × l के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 + 3 इक्वल टू 2 × 8 और 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये देखिए 8 8 8 मीन सभी 8 होगा, पैरेललोग्राम की सभी साइड बराबर होंगी तो 8 होगा, 8 होगा, तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इसका जो पेरीमीटर होता है p = 4 × साइड, अभी साइड होता है तो इसका 4 × 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 4 = 32 सेंटीमीटर, ये हुआ। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का कहा गया है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इट्स 2 एडजेसेंट साइड मेजर 27 और 15 सेंटीमीटर। मींस एल दिया है 27 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एल इक्वल टू 27 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2l + b, ये फार्मूला होता है, इस पर पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × l, l कितना है 27 प्लस ब्रेथ कितना है 15, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 5 × 12 = 2 = 3 = 42, ये सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर आएगा, इसका पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 64 सेंटीमीटर, मींस पेरीमीटर दिया गया है, इफ द लेंथ 17 सेंटीमीटर फाइंड ब्रेथ हो गया। देखिए अब पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है ये दिया गया है, देखिए लेंथ 17 है, ये पेरीमीटर कितना है 58 सेंटीमीटर दिया गया है, बाकी इसका क्या फाइंड करना है, ये देखिए यहाँ पे ये से यहाँ पे 58 पेर ये है 64 दिया गया है, सॉरी ये 64 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका लेंथ कितना है 17 है, तो क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या दिया गया है 2l + b होता है, अब पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर दिया कितना है 64 इक्वल टू 2 × l कितना है 17 है, अब ब्रेथ नहीं है तो लेट ब्रेथ कितना होगा, लेट ब्रेथ इक्वल टू x है, तो यहाँ x पुट कर देंगे, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 64/2 इक्वल टू 17 + x, डिवाइड करेंगे तो 32 = 17 + x। अब देखिए x यहीं पे रोक लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ये 32 है माइनस 17, जब सबट्रैक्ट करेंगे x इक्वल टू कितना कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 15 ये सेंटीमीटर आ गया, तो इसका जो ब्रेथ है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। 5 में दिया गया है क्वेश्चन में, ऐसे 4 नंबर हो गया बेटा, 5 में दिया गया था लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम इज लॉन्गर दैन द ब्रेथ बाय 7, मतलब 7 ज़्यादा है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 66, पेरीमीटर 66 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए बच्चों इसका लेट हम ब्रेथ ले लेंगे, पैरेललोग्राम मिल भी x सेंटीमीटर, लेंथ कितना है x प्लस 7 है, तो इसका पेरीमीटर दिया गया है, l और b फाइंड करना। देखिए पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2l + b होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 66 रखेंगे इक्वल टू 2 × l कितना है, l x प्लस 7 है, अब प्लस बच्चों ब्रेथ कितना है, ये ब्रेथ के स्थान में प्लस x रख देंगे, तो अब ऐड कर दिए बेटा कितना हुआ 2 × देखिए x कितना हुआ 2x + 7, यहाँ पे देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2x + 7 हो गया, मींस 33 = 2x + 7, यहाँ 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों
13 में 7 सेपरेट करेंगे तो कितना हुआ 6, और यहाँ 26 इक्वल टू 2x। अब बेटा देखिए 2x इक्वल टू 26, अब इधर जाएगा x इक्वल टू 26 बाई 2 इक्वल टू 13 आया। अब देखिए बच्चों देयरफॉर ब्रेथ कितना आया 13 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू कितना है x प्लस 7 मीन्स 13 प्लस 7 इक्वल टू कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर आया आंसर, एक 13 सेंटीमीटर आया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 नंबर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों गिवन है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब लेंथ और ब्रेथ दिया है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2l प्लस बी, मीन्स ये पैरेललोग्राम भी है तो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू 24 प्लस 6, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया ये 2 इंटू 30 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ 60 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर। आगे में देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर, मीन्स रोम्बस की क्या होती है बेटा, देखिए रोम्बस के 8 सेंटीमीटर ये सभी साइड बराबर होती हैं, ये सभी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, क्यों 4 इंटू साइड होता है क्योंकि इसकी सभी साइड बराबर होती हैं। तो इसके बाद 4 इंटू 8 सेंटीमीटर मीन्स 4×8=32 सेंटीमीटर ये आंसर आया, ठीक। इसके बाद बेटा देखिए 8वां नंबर दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, सेम कंडीशन है। देखिए जो स्क्वायर का होता है वो सभी साइड बराबर होती हैं ये, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 इंटू 24 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 4×4=16, 1 कैरी, 2×4=8, 196 सेंटीमीटर आया। अब इसी तरीके से द साइड ऑफ टू एज ए स्क्वायर्स आर 2:3, फाइंड द देयर करिस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, मीन्स देखिए इसका दिया गया कि एक 2x है और एक 3x, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो P1/P2 इक्वल टू 4×4 मतलब ये साइड S2 हो गया, ये S1 हो गया, तो इसको आप 4 तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो साइड कितना है बेटा 2x/3x, तो x कैंसिल होगा 2:3, therefore पेरीमीटर P1:P2 इसका क्या होगा 2:3 ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, इफ द एंड पैरेललोग्राम इज 35 सेंटीमीटर फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स, मतलब बेटा देखिए पैरेललोग्राम है, ये क्या है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम है तो मुझे मालूम है सभी साइड क्या बराबर होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये 35 भी होगा, और तो इसको एक्स एंड एक्स ले लेंगे। देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360, क्योंकि पैरेललोग्राम की सभी साइड 360 होती हैं, तो ये कितना 35 प्लस एक्स प्लस 35 एंड प्लस एक्स इक्वल टू 360, x कितना हुआ 2x प्लस 35 70 इक्वल टू 360 हो गया। अब 2x इक्वल टू 360 माइनस 70 तो 2x इक्वल टू 290 हो गया। अब x इक्वल टू 290/2, 2 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2×1=2, 4×4=5 तो 145 हुआ। देयर फोर एंगल क्यूब इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 145 और एंगल आर इक्वल टू 35 होगा, और द एंड, ये चैप्टर एंड हुआ, ओके बेटा।